ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सबट्रैक कमांड और स्लाइस कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज के इस वीडियो में हम इंटरफेयर और इंटरसेक्ट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। इंटरफेयर कमांड का यूज किसी भी दो ऑब्जेक्ट में जो एरिया इन्फ्रीज हो रहा है उसे चेक करने या उसकी कॉपी बनाने में होता है, और इंटरफेयर कमांड की शॉर्टकट की है INT। आप जैसे ही INT टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो इंटरफेयर कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपको फिर से सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको इंटरफेयर हो रहे ऑब्जेक्ट की डिटेल दिखाई देंगी। इसमें आपको फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट और इन्फ्रिंजिंग जितना भी ऑब्जेक्ट इन्फ्रिंज हो रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको प्रीवियस, नेक्स्ट, अगर आप प्रीवियस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको प्रीवियस ऑब्जेक्ट पर लेकर जाएगा, अगर नेक्स्ट पर से क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर लेकर जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर जूम इन, पैन और ऑर्बिट का ऑप्शन मिलता है, और लास्ट है डिलीट इंटरफेरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑन क्लोज, तो आपको इसे अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद क्लोज करना है। क्लोज करते ही अभी आपको इसमें कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और नया ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जो कि इन्फ्रिंजिंग एरिया है। तो इस तरह से आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट में जो इन्फ्रिंज हो रहा है एरिया उसे चेक कर सकते हो या उसकी कॉपी बना सकते हो। तो ये थी इंटरफेयर कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट कमांड की शॉर्टकट की है INTERS। आप जैसे ही INTERS टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो इंटरसेक्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो अब आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट को एक साथ में सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही जितना भी एरिया इन्फ्रिंज हो रहा था इन दोनों ऑब्जेक्ट में वही आपको यहाँ पर शो होगा, और बाकी का सभी एरिया डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटरसेक्ट कमांड के जरिए इन्फ्रिंज हो रहे एरिया को इस चेक कर सकते हो, और इंटरफेयर कमांड के जरिए उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो। तो ये थी इंटरफेयर और इंटरसेक्ट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।